Hello and welcome back, my dear students, in your nursery video class. Today we will learn how to write counting numbers from 6 to 10. So let us start. चलो बच्चों, 1 to 5 हम लोग सीख चुके हैं. अब हम लोग 6 to 10 सीखेंगे आज. तो पहले पिक्चर यहाँ बना हुआ है और उस पिक्चर को काउंट करते हुए 6 को लिखने का प्रयास करेंगे. तो चलो मेरे साथ पहले काउंट करो. 1 2 3 4 5 6. कितना हुआ? 6. तो चलो 6 डॉट्स को मिलाते हुए हम 6 लिखेंगे. क्या लिखेंगे? 6. और बार बार बोलेंगे 6, और पिक्चर को भी काउंट करना है. अब नेक्स्ट नंबर 7 है. क्या है? 7. 7 के आगे भी अम्ब्रेलास का पिक्चर बना हुआ है. तो काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7. कितना अम्ब्रेलास है? 7. तो 7 डॉट्स को मिलाते हुए 7 लिखना है. क्या लिखना है? 7. अब नेक्स्ट नंबर है 8. क्या है? 8. 8 के लिए बर्थडे कैप्स बना हुआ है. चलो इस कैप्स को काउंट करें. 1 2 3 4 5 6 7 8. कितना कैप्स हो गया बर्थडे का? 8. तो 8 डॉट्स यहाँ बने हुए हैं. चलो इसको मिलाते हुए 8 को लिखेंगे. क्या करेंगे? 8 डॉट्स को मिलाते हुए 8 लिखेंगे. नेक्स्ट नंबर 9 है. 9 के लिए 9 बॉल्स बने हुए हैं. कितने बॉल्स हैं? 9. चलो काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कितना बने हुए? 9. तो 9 डॉट्स को हम मिलाते हुए 9 लिखेंगे. क्या लिखेंगे? 9. नेक्स्ट नंबर 10 है. 1 0 10. और 1 0 10 के आगे 10 स्टार्स बने हुए हैं. तो चलो काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितना बना हुआ है? 10. अब 10 लिखने के लिए भी सभी डॉट्स को मिलाना है. मिलाते हुए 10 लिखना है. 1 0 10. क्या लिखना है? 1 0 10. अब डॉट्स को मिलाते हुए 6 को लिखे हैं, लेकिन अब यहाँ जो लाइन दिया हुआ है इस लाइन पर खुद ही लिखने का प्रयास करना है. तो हो गया ये 6. क्या हो गया? 6. 7 यहाँ डॉट्स को मिलाकर 7 हम बनाए. अब यहाँ पर 7 लिखना है सीधा, ऐसे लाइन खींच कर ऐसे. क्या हो गया? 7. क्या हो गया? 7. अब 8 के लिए भी यहाँ लाइन खींचा हुआ है. देखो इसी लाइन पर ये 8 को लिखना है. पहले एक गोल बनाना है, फिर दूसरा गोल बना के इसको सटा देना है. क्या हो गया? 8. फिर नेक्स्ट नंबर 9 हो गया. तो 9 लिखने के लिए हम डॉट को मिलाए हैं, तब 9 बना है. लेकिन यहाँ जो लाइन खाली जगह में दिया हुआ है, तो पहले सीधा लाइन ऐसे खींच कर स्टैंडिंग लाइन की तरह, और फिर इसमें हाफ सर्कल बना देना है. और ये क्या बन गया? 9. एंड नेक्स्ट नंबर हो गया 1 0 10. क्या हो गया? 1 0 10. तो 10 लिखने के लिए पहले स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे,
ये हो गया वन। अब वन के आगे पूरा सर्कल यानि गोल बना देना, और ये हो गया 1 0 10। चलो अब उसी तरह ये डॉट्स 6 का दिया हुआ है, ट्रेस करना है, और ये जो खाली स्थान है उस पर खुद लिखने का प्रयास करना। फिर यहाँ 7 का डॉट्स बना हुआ है, उस पर ट्रेस करते हुए यहाँ खाली जगह में 7 खुद से लिखने का प्रयास करना। फिर 8 का डॉट्स बना हुआ है, उस पर ट्रेस करना है और खाली जगह में 8 लिखने का प्रयास करना है। फिर नेक्स्ट नंबर में 9 का भी डॉट्स बना हुआ है प्रत्येक लाइन में, और नीचे खाली जगह में लाइन खींचा हुआ है, उस पर 9 लिखने के लिए यहाँ बता दिया गया। सीधा स्टैंडिंग लाइन खींचकर उसमें हाफ सर्कल बना देना है और 9 लिखने का प्रयास करना है। लास्ट नंबर हो गया 1 0 10 का डॉट्स, उस डॉट्स को मिलाते हुए 10 लिखना है, ट्रेस करना है, और नीचे जो खाली जगह लाइन खींच दिया गया है यहाँ पर खुद से 1 0 10 लिखने का प्रयास करना है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज योर होमवर्क। ओके, थैंक यू।